अभी फ्रेंड्स हम लोग मलेरिया के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मलेरिया के जो प्लाज्मोडियम के फोर टाइप्स है, ठीक है। देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन कॉजिंग मलेरिया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फोर टाइप्स कौन से जरा सा हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोडियम वाइवाइव, प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम, ठीक है फ्रेंड्स। ये फैल्सीफरम फॉर्म है ना, सबसे डेंजरस फॉर्म माना जाता है ऐसे मलेरिया के केसेस में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे फैल्सीफरम के कॉजेस में अच्छे तरह से पेशेंट ट्रीट तो होते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट को जो अच्छे तरह से ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट के डेथ तक होने के चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए सबसे जो डेंजरस फॉर्म माना जाता है ना यहाँ पे मलेरिया का, सबसे डेंजरस फॉर्म माना जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे अपने फैल्सीफरम में, ठीक है। बाद में आता है फ्रेंड्स यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फ्रेंड्स यहाँ पे ओवली, ठीक है। ये फोर टाइप्स के फ्रेंड्स यहाँ पे प्लाज्मोडियम को टाइप्स वगैरह माने जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। आउट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम वेरी कॉमन इन इंडिया, यहाँ पे इंडिया में कौन से पाए जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जो दो टाइप्स हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है यहाँ पे फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें से भी सबसे ज्यादा जो डेंजरस फॉर्म जो आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम नाम का जो मलेरिया है ना, प्लाज्मोडियम का टाइप, जो सबसे डेंजरस फॉर्म माना जाता है हमारे इंडियन पॉपुलेशन में फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को प्लाज्मोडियम के टाइप्स वगैरह, इसके साथ साथ हमारे इंडिया में कौन से पाया जाता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफरम हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन पाया जाता है, ये सब चीजें वगैरह दरअसल हम लोगों को दरअसल ये पता रहना जरूरी है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे उसके बारे में कि उसका टाइप्स वगैरह क्या क्या है। अभी हम लोग उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये कैसे मलेरिया के साइड प्रोटोजोअल डिसीज है, ये कैसे बॉर्न होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, डायरेक्ट मतलब ब्लड और प्लाज्मा, मतलब जो इन्फेक्टेड जो मॉस्किटोज वगैरह है, ये इन्फेक्टेड मॉस्किटोज ह्यूमन को बाइट करने से पेशेंट को होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है इसका। बाद में जो वेक्टर्स वो वेक्टर्स कौन सा है इसका, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, कौन सा वेक्टर है ये, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो नाम का मॉस्किटो ये वेक्टर फॉर्म में आता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं अभी फ्रेंड्स यहाँ पे। इंक्यूबेशन पीरियड फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा वेरी करता है पैरासाइट, जरा सा पैरासाइट के मतलब वहाँ पे जरा सा बहुत सारे पैरासाइट के हिसाब से, मतलब वहाँ पे फैल्सीफरम है या फिर वहाँ पे वाइवैक्स है, इसके हिसाब से जरा सा इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है, मतलब लेकिन जो 8 से 10 दिन ये कॉमन टाइम माना, कॉमन डेज माना जाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के मलेरिया के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जरा सा इंक्यूबेशन पीरियड कैसे वेरीज विद पैरासाइट, फ्रेंड्स यहाँ पे 12 डेज भी रहता है, 9 to 14 डेज ऑफ फैल्सीफरम मलेरिया, फैल्सीफरम मलेरिया के जो इन जनरल रहता है 12 डेज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेरी करता है जरा सा 9 to 14 डेज तक वेरी करता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो वहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण है वाइवैक्स मलेरिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 डेज ये वेरी करता है कि 8 to 17 डेज तक ये वेरी करता है इन जनरल, लेकिन 14 डेज माना जाता है। इसलिए फैल्सीफरम मलेरिया के लिए 12 डेज ये इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, और यहाँ पे वाइवैक्स मलेरिया के लिए 14 डेज माना जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह हम लोगों को पता रहना जरूरी है, इसके हिसाब से हम लोग जैसा ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया वगैरह क्या क्या करना है जैसे, ये सब चीजें भी हम लोग जैसा वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं मलेरिया की, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि मलेरिया की साइकिल कैसे कैसी है, वहाँ पे साइकिल का उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बाद में उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, वहाँ पे उसका वेक्टर्स क्या है, टाइप्स ऑफ मलेरिया क्या है, ये सब चीजें देखने के बाद अभी हम लोग वहाँ पे क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हम लोगों ने क्लिनिकल पिक्चर वगैरह दी है पेशेंट को, सबसे पहले जो वायरल फीवर टाइप पिक्चर वगैरह लगता है पेशेंट को, ठीक है। सबसे पहले पेशेंट को कैसा फीवर भी चिल्स आती है बॉडी, पेशेंट को मलेज वगैरह होने लगता है, इसके साथ साथ पेशेंट को बॉडी पेन, ज्वाइंट पेन या फिर सीवियर हेडेक वगैरह, ये सब सिम्टम्स भी वहाँ पे जरा सा पेशेंट को दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जरा सा टिपिकल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो मलेरिया के जो क्लिनिकल फीचर्स है ना, यहाँ पे जरा सा टिपिकल पैटर्न रहता है कि सबसे पहले पेशेंट को कैसे ठंडी बस के आती है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने फ्रेंड्स यहाँ पे स्कूल के डेज में वगैरह हम लोगों ने मलेरिया के बारे में जरा सा देखा, देखो ठीक है, वहाँ पे कैसे एक बैलगाड़ी का पिक्चर था, बैलगाड़ी के पिक्चर में एक पेशेंट को हम लोग लेके जा रहे हैं, ये जरा सा पिक्चर वगैरह हम लोगों ने बुक में देखा था कि पेशेंट ठंडी से कांप रहा था, ऐसे पिक्चर वगैरह हम लोगों ने जरा सा ये हमारे स्कूल के डेज में वगैरह बहुत सारा देखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मलेरिया का जो क्लिनिकल फीचर है ना, टिपिकल टाइप का रहता है कि सबसे पहले पेशेंट को ठंडी बच के आती है, बाद में पेशेंट को ठंडी बचने के बाद पेशेंट को तेज से बुखार आ जाता है, ठीक है, एकदम तेज बुखार आता है, उसके बाद में पेशेंट को बहुत सारा स्वेटिंग वगैरह होने लगता है, ठीक है। ये पेशेंट को जो क्लिनिकल सिम्टम्स है ना फ्रेंड्स यहाँ पे टिपिकल पैटर्न ये रहता है पेशेंट के जो मलेरिया के फीवर में वगैरह, ये पैटर्न को देखने के बाद हम लोग जरा सा देखने के बाद ही प्रोविजनल डायग्नोसिस वगैरह बना सकते हैं कि वायरल फीवर के साथ साथ पेशेंट को वायरल फीवर है या फिर यहाँ पे पेशेंट को मलेरियल फीवर है, ये सब जरा सा सिम्टम्स वगैरह हम लोग देखने के बाद ये
पता लगा, मतलब वहाँ पे बता सकते हैं कि पेशेंट को कौन सा फीवर वगैरह है। सो इसके हिसाब से हम लोग जरा सा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह हम लोग बना देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टिपिकल पिक्चर कैसा है, ये क्लिनिकल पिक्चर मलेरिया का। द टिपिकल अटैक कम्प्रोमाइजेस द थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस, ठीक है। यहाँ पे तीन स्टेजेस है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि सबसे पहले आती है पेशेंट को कोल्ड स्टेज आती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे कोल्ड स्टेज में पेशेंट को ठंडी वगैरह बच के आती है। बाद में आता है फ्रेंड्स यहाँ पे हॉट स्टेज, ठीक है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा फीवर वगैरह टेम्परेचर चढ़ जाता है। उसके बाद में आता है फ्रेंड्स यहाँ पे स्वेटिंग स्टेज, ठीक है। ये तीन स्टेज आते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि वहाँ पे कितने स्टेज में, मतलब वहाँ पे कितने देर तक ये स्टेज वगैरह रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को प्रिकॉशंस वगैरह क्या क्या रहना है, ये सब चीजें वगैरह हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो एक एक करके अभी हम लोग एक एक करके उसके स्टेजेस देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कोल्ड स्टेज, ठीक है। कोल्ड स्टेज में क्या आता है फ्रेंड्स, द ऑनसेट इज विद पेशेंट फील्स लिथार्जी। पेशेंट क्या कहते हैं, लिथार्जी, मतलब एकदम लुस्त जैसा पड़ा रहता है फ्रेंड्स यहाँ, ठीक है। पेशेंट एकदम लुस्त जैसा पड़ा रहता है, बाद में पेशेंट को कैसे हेडेक स्टार्ट होता है, ठीक है। बाद में हेडेक के साथ साथ पेशेंट को नौसिया होता है एंड चिली सेंसेशन फॉलोड बाय राइगस। ऐसे पेशेंट को ऐसे लिथार्जी रहता है, बाद में उसके साथ साथ पेशेंट को हेडेक विद नौसिया वगैरह रहता है। उसके बाद में पेशेंट को ठंडी बच के आती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठंडी भी कैसे फ्रेंड्स वहाँ पे राइगस फॉर्म में रहता है, ठीक है। पेशेंट को कैसे एकदम चिल्स, मतलब वहाँ पे एकदम थत्थर थत्थर कांपने लगता है ठंडी से, इतना ज्यादा पेशेंट को ठंडी वगैरह आती है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इधर से इमेज देखने के बाद भी आपको पता चलेगा कि पेशेंट कैसा है, दो तीन ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के सोता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ब्लैंकेट वगैरह अच्छे तरह से वहाँ पे लेके पेशेंट ठंडी, उसको इतनी ज्यादा ठंडी बचती है इसलिए पेशेंट को क्या रहता है, एकदम ब्लैंकेट वगैरह पेशेंट लेके सोता है फ्रेंड्स यहाँ पे बेड पे, ठीक है। द टेम्परेचर बाद में ठंडी बजने के बाद पेशेंट को ठंडी होती है, धीरे धीरे ठंडी, ठंडी के बाद में पेशेंट को धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर राइजेस रैपिडली टू 39 to 41 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाद में हेडेक इज ऑफन सीवियर, ठीक है। बाद में पेशेंट को कैसा है, सीवियर हेडेक रहता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में पेशेंट को हेडेक मलेशिया वगैरह रहता है, ये पेशेंट को बाद में फ्रेंड्स वहाँ पे सीवियर हेडेक स्टार्ट होता है, कॉमनली देर इज अ वोमिटिंग, ठीक है। पेशेंट को हेडेक होने के बाद पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह भी ऐसे स्टेज में हो सकती है, ठीक है। इन अर्ली पार्ट ऑफ दिस स्किन फील्स कोल्ड, पहले पार्ट में पेशेंट को स्किन कैसे एकदम ठंडी लगती है एंड लेटर इट विल बी बिकम्स हॉट, मतलब वहां पे पेशेंट को ठंडी बजने के बाद पेशेंट को धीरे धीरे टेम्परेचर आना स्टार्ट होता है ऐसे कंडीशन में, ठीक है। द पल्स इज रैपिड, वहाँ पे पेशेंट को एकदम जोर जोर से ठंडी बचती है ना, इसलिए पल्स कैसे वहाँ पे रैपिड पल्स रहते हैं एंड मे बी वीक रहते हैं, ठीक है। पल्स रैपिड रहती है और वीक रहती है, मतलब वहाँ पे फीबल पल्स भी हम लोग माने, मतलब देख सकते हैं ऐसे कंडीशन में, एकदम सीवियर फॉर्म में रहा तो फीबल पल्स भी रहती है। लेकिन जरा सा इसमें ध्यान में रखना कि पल्स कैसे रैपिड रहती है और मे बी वीक रहती है, मतलब वहाँ पे जरा सा बीपी वगैरह पेशेंट को कम हो सकता है, ठीक है। सबसे मेन यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे दिस स्टेज लास्ट फॉर 25 minutes to 1 hour तक, ठीक है। सबसे मेन क्या है यहाँ पे, जो होल्ड स्टेज कितने 25 minutes to 1 hour तक के पेशेंट की जो स्टेज है रह सकते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। सो ऐसे कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे, सबसे पहले पेशेंट को क्या होता है, लिथार्जी हेडेक नौसिया वगैरह सब सिम्टम्स वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे पेशेंट को चिली सेंसेशन होने लगती है और बाद में पेशेंट को एकदम राइगर्स वगैरह, मतलब वहाँ पे जोर जोर से ठंडी बजने लगती है, पेशेंट थत 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 कांपने लगता है। तो इसके बाद में पेशेंट को कैसा धीरे धीरे टेम्परेचर वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में, ठीक है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, इसके साथ साथ एक बात है वोमिटिंग भी हो सकती है ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए पेशेंट को जैसे एकदम ब्लैंकेट लेके एकदम जैसे सो जाता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा पेशेंट को फैन वगैरह है सब चीजें वगैरह बंद करके पेशेंट को जरा सा गर्माहट वगैरह देनी रहती है, मतलब वहाँ पे हीटर रूम हीटर वगैरह है ये सब जरा सा चीजें वगैरह लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर में एकदम पेशेंट को कैसे एकदम वहाँ पे ठंडी एकदम बंद होने के बाद पेशेंट को फीवर वगैरह भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा पेशेंट को फीवर आता है तो पैरासिटामोल वगैरह भी दे सकते हैं ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे कोल्ड स्टेज, ठीक है। अभी हम लोग हॉट स्टेज देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। हॉट स्टेज जैसे कि कोल्ड स्टेज खत्म होने के बाद, मतलब 25 से 1 घंटे के बाद कोल्ड स्टेज, मतलब 25 से मतलब 25 मिनट तक, मतलब आधा घंटे तक समझो कोल्ड स्टेज रही, तो इसके बाद में तुरंत जो टेम्परेचर एकदम पेशेंट को हाई ग्रेड टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है, इस कंडीशन को हम लोग हॉट स्टेज कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। हॉट स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, फिर द पेशेंट फील्स बर्निंग हॉट, जैसे कि हम लोग कोल्ड स्टेज में देखा कि पेशेंट एकदम ठंडी से थर थर कांप रहा था, ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा था, लेकिन वहाँ पे एकदम टेम्परेचर समझो बाद में बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट एकदम बर्निंग हॉट डिस्कार्डेड ऑल हिज क्लोज, मतलब अपने अपने कपड़े वगैरह निकालने लगता है, मतलब वहाँ पे जो ब्लैंकेट वगैरह लेके सो रहा था वो ब्लैंकेट वगैरह सब निकाल के पेशेंट कैसे अपने कपड़े वगैरह फेंकने लगता है निकाल के, मतलब उसको उसको इतना ज्यादा गर्मी वगैरह होने लगती है फ्रेंड्स वहाँ पे उस कंडीशन में। ये जरा सा डायग्राम देख लेना कि पेशेंट कैसे अपने कपड़े वगैरह पूरा, मतलब ये हम लोग ने जैसे ब्लैंकेट वगैरह डाला था ये सब चीजें वगैरह, पिलो है या फिर वहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह है ये सब चीजें वगैरह निकाल के फेंक रहा है, मतलब वहाँ पे उसको पेशेंट को एकदम बर्निंग हॉट सेंसेशन वगैरह होने लगते हैं ऐसे कंडीशन में, इसलिए पेशेंट कैसे डिस्कार्ड हिज क्लोथ वगैरह, पेशेंट के कपड़े वगैरह निकाल के फेंकता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। द स्किन इज हॉट एंड ड्राई टू टच, पेशेंट की स्किन मतलब टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी का, पेशेंट को फिर वहाँ पे स्किन कैसे एकदम हॉट एंड ड्राई टू टच, पेशेंट को एकदम कैसे टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे
पेशेंट की स्किन भी ड्राई हो जाती है और किसी ने एकदम टच किया हॉट लगता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। हेडेक इंटेंस मतलब हेडेक बहुत मतलब पेशेंट को बढ़ जाता है, बट नौसिया कॉमनली डिमिनिशेस। हेडेक पेशेंट को बहुत ज्यादा रहता है लेकिन नौसिया वगैरह धीरे धीरे कम हुआ ऐसी कंडीशन में, ठीक है। द पल्स इज फुल एंड रैपिड, ठीक है, पल्स इज फुल एंड रेस्पिरेशन भी रैपिड रहता है, मतलब वहाँ पे पेशेंट को टकीकार्डिया है उसके साथ साथ टकेपनिया भी ऐसी कंडीशन में रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसी कंडीशन में टकीकार्डिया के साथ साथ पेशेंट को क्या रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे टकेपनिया भी रहता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करने जरूरी है। दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 6 आवर्स, ठीक है, दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 6 आवर्स। सो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जरा सा ठंडा रखने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए इसमें पेशेंट को जरा सा एंटीपायरेटिक वगैरह है, ठीक है, इस कंडीशन में एंटीपायरेटिक वगैरह, इसके साथ साथ पेशेंट को जरा सा कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह, ठीक है, इसके एंटीपायरेटिक्स के साथ साथ कोल्ड स्पॉन्जिंग वगैरह, फैन वगैरह, ये सब चीजें वगैरह पेशेंट में जरा सा ये सपोर्टिव कोल्ड स्टेज वगैरह जरा सा हम लोगों को सपोर्टिव ट्रीटमेंट वगैरह देने चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे हॉट स्टेज में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हॉट स्टेज है कितना 2 to 6 आवर्स तक रहती है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स वहाँ पे हॉट स्टेज का। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे अगली स्टेज देख लेते हैं स्वेटिंग स्टेज में। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पेशेंट को एकदम हाई ग्रेड फीवर वगैरह आता है और हाई ग्रेड फीवर के बाद पेशेंट को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे स्वेटिंग वगैरह होने लगती है, मतलब वहाँ पे फीवर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है पेशेंट में, ठीक है, फीवर जाने के बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। फीवर कम्स डाउन विद प्रोफ्यूस स्वेटिंग, पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है, पेशेंट को फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, टेम्परेचर ड्रॉप्स रैपिडली, टेम्परेचर धीरे धीरे मतलब वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो नॉर्मल, एंड स्किन इज कूल एंड मॉइस्ट, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट की स्किन कैसे कूल रहती है और मॉइस्ट रहती है, इसलिए पेशेंट को बहुत ज्यादा परस्पायरेशन होता है, मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा वहाँ पे उसके सफेसपोशन के साथ बहुत ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होती है, तो एकदम पेशेंट कैसे एकदम लिथार्जिक होने लगता है, ठीक है, पेशेंट एकदम लिथार्जिक। देखिए देख रहे हैं यहाँ पे जरा सा जरा देख लेना कि पिक्चर में कैसे एकदम पेशेंट लिथार्जिक एकदम वैसा गल जाता है यहाँ से, उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग वगैरह होने लगती है फ्रेंड्स ऐसे कंडीशन में, ठीक है। द पल्स रेट बिकम स्लोअर, मतलब पल्स रेट धीरे धीरे कम होने लगते हैं, पेशेंट फील्स रिलीव्ड एंड ऑफन फॉल स्लीप, पेशेंट एकदम थक जाता है और बेड पे पड़ने के बाद एकदम सोने की कोशिश करता है ऐसी कंडीशन में, मतलब उसके लिए पेशेंट बहुत ही ज्यादा लिथार्जिक और बहुत ही ज्यादा वहाँ पे वीकनेस वगैरह फील करता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स, ठीक है, दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स, इस स्टेज कैसे फ्रेंड्स वहाँ पे 2 to 4 आवर्स तक रहती है। तो ऐसे स्वेटिंग केस में पेशेंट को एकदम प्रोफ्यूस स्वेटिंग वगैरह होने लगता है, हेडेक वगैरह जैसे धीरे धीरे जो टेम्परेचर धीरे धीरे ड्रॉप होता है, इसके साथ साथ पेशेंट को जो स्किन वगैरह है कूल दिखाई देने लगती है ऐसी कंडीशन में और मॉइस्ट रहती है, पल्स भी धीरे धीरे कम होती है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। और ये दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स तक ये स्टेज रह सकती है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग ये तीन स्टेजेस यहाँ पे जो दी है, यहाँ पे तीन स्टेजेस जरा सा हम लोग पेशेंट में डिफर करती है, उसके साथ साथ पैरासाइट है वहाँ पे, उसके साथ साथ पेशेंट को जो जो प्लाज्मोडियम है जो कि 4 टाइप्स है, उसके हिसाब से पेफेलसीफॉरम है, मलेरिया जो वाइवैक्स वगैरह है, ये सब उसके टाइप से भी जरा सा डिफर करती है। सब पेशेंट में ऐसी तीन स्टेजेस दिखाई देती है, ऐसे नहीं रहता, जो हम लोग ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं उसके हिसाब से जरा सा बदल सकता है। द क्लिनिकल 3 स्टेजेस मे नॉट ऑलवेज बी ऑब्जर्व ड्यू टू मैचुरेशन ऑफ जनरेशन पैरासाइट डिफरेंट टाइप्स है डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। जो मैचुरेशन ऑफ जनरेशन ऑफ पैरासाइट्स वगैरह है, जैसे कि हम लोगों ने साइकिल में देखा था कि जैसे जैसे उसके ये जो मैचुरेशन जनरेशन हम लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे मेरोजाइट्स है स्पोरोजाइट्स है जैसे जैसे जहाँ से जहाँ से एंटर करें उसके हिसाब से जैसे हम लोग वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह प्रोटोकॉल वगैरह उसके फॉलो करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जरा सा उसी कंडीशन में जरा सा डिफर हो सकता है ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे डिसीज हैज अ टेंडेंसी टू रिलैप्स, ठीक है, डिसीज हैज अ टेंडेंसी टू रिलैप्स एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड सेकेंडरी एनीमिया। ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार ये पेशेंट को जो है इन्फेक्टेड आरबीसीज वगैरह पेशेंट को वैसे ही रहते हैं बॉडी में और वहाँ पे पेशेंट को रिलैप्स वगैरह होने के चांसेस भी रहती है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्फेक्टेड आरबीसीज वगैरह से क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली ये सब चीजें वगैरह वगैरह कई बार दिखाई देती है और वहाँ पे इन्फेक्टेड आरबीसीज वगैरह फ्रेंड्स वहाँ पे बर्स होने के बाद भी पेशेंट को सेकेंडरी एनीमिया वगैरह रहते हो सकता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। ऐसी भी चीजें भी हम लोगों को पता रहना जरूरी है, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, जैसे कि फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग के पीरियड में भी देखा था कि जो पीफेलसीफेरम है ना, पीफेलसीफेरम जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है, सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस फॉर्म माना जाता है ऐसे कंडीशन में हमारे इंडियन पॉपुलेशन में, ठीक है। इंडिया में पीफेलसीफेरम और वाइवैक्स पाए जाते हैं, हमारे महाराष्ट्र के स्टेट में भी फ्रेंड्स वहाँ पे पीफेलसीफेरम और वाइवैक्स बहुत ज्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। सो पीफेलसीफेरम इन्फेक्शन इज द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ द मलेरिया एंड पेशेंट्स आइदर किल और क्योर्ड पेशेंट, इसलिए कई बार पेशेंट की जान तक जा सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।
इसलिए जरा सा ये सब चीजें वगैरह जो हम लोग जो सिम्टम्स वगैरह जरा सब देखते हैं, इसलिए मलेरिया को वगैरह जो फ्रेंड्स वहाँ पे लाइटली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से हम लोग समझो वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह सेट नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन पेशेंट को एकदम कैसे बहुत ज्यादा क्रिटिकल होते हैं, या फिर सेरेब्रल एडिमा सेरेब्रल मलेरिया वगैरह डेवलप होने के बाद पेशेंट की डेथ तक होने के चांसेस होते हैं, या फिर पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेल्योर में भी वगैरह पेशेंट जा सकता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ऐसे केसेस में हम लोगों को जरा सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अच्छे से करने चाहिए फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक तीन जो है तीन स्टेजेस देखी, फ्रेंड्स यहाँ पे इसके साथ साथ पेशेंट को जरा सा अदर सिम्टम्स वगैरह क्या क्या जरा सा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फ्रेंड्स पेशेंट को सबसे पहले जैसे लिथार्जी वगैरह मलेजिया वगैरह ये सब चीजें वगैरह पेशेंट को स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। द ऑनसेट इज ऑफन इंसिडियस विद मलेज वगैरह रहता है पेशेंट को, हेडेक वगैरह रहता है, उसके साथ साथ वोमिटिंग वगैरह रहता है, विच आर यूजुअली मोर सीवियर होता है, ठीक है। हेडेक एंड वोमिटिंग जैसे बहुत ज्यादा सीवियर रहती है, एंड देयर इज अ ग्रेटर टेंडेंसी टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ डेलिरियम, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जैसे सब ये सब चीजें वगैरह हम लोग जो कंप्लेन वगैरह देख रहे हैं पेशेंट को, मलेज हेडेक वोमिटिंग वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह जो है फ्रेंड्स वहाँ पे जॉइंट पेन वगैरह ये सब सिम्टम्स वगैरह वायरल फीवर में भी रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। जरा सा हम लोग जरा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे वायरल फीवर के बारे में भी जरा सा ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस वायरल फीवर के बारे में भी हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने वायरल फीवर में देखा कि वायरल फीवर में फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को मलेज हेडेक ये वोमिटिंग वगैरह ये सब चीजें भी हो सकता है, लेकिन वायरल फीवर में फ्रेंड्स यहाँ पे डिलीरियम नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे डिलीरियम नहीं रहता, इसलिए जो डिलीरियम वगैरह रहता है समझो वहाँ पे पेशेंट को मलेज हेडेक वोमिटिंग के साथ साथ समझो पेशेंट को डिलीरियम भी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायग्नोसिस हमारा मलेरिया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्टिंग में कंडीशन में तो लगता है कि पेशेंट को वायरल फीवर है, लेकिन वायरल फीवर में पेशेंट को डिलीरियम वगैरह नहीं रहता। सो ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को समझो ये सब की चीजें वगैरह मलेरिया हेडेक वोमिटिंग के साथ साथ समझो पेशेंट को डिलीरियम भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जरा सा ये मलेरिया वगैरह सस्पेक्ट करना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हम लोगों को पता रहना जरूरी है, ये सब चीजें वगैरह हम लोगों को पता रहते तो हम लोग प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस वगैरह हम लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। द फीवर हैज नॉट अ पर्टिकुलर पैटर्न, यहाँ पे फ्रेंड्स फीवर का पैटर्न वगैरह नहीं रहता, पेशेंट को ठंडी बस की बुखार आती है पेशेंट को वहाँ पे, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इंटरमिटेंट फीवर है या फिर रेमिटेंट फीवर वगैरह है, ये फीवर का पर्टिकुलर पैटर्न नहीं रहता। जॉन्डिस में भी कॉमन ड्यू टू हिमोलिसिस एंड हेपेटिक डिसफंक्शन, फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन्डिस क्यों डेवलप होता है जरा सा देखने के लिए हम लोग जरा सा साइकिल पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन्डिस वगैरह पेशेंट को डेवलप हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे एनीमिया भी सेकेंडरी एनीमिया भी दिखाई दे सकता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो मोरोजॉइड्स वगैरह है मेरोजॉइड्स क्या करते हैं हमारे आरबीसी को इन्फेक्ट कर देते हैं, ये इन्फेक्टेड आरबीसी वगैरह क्या होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आगे जाके बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्टेड वगैरह आरबीसी वगैरह आगे जाके बस्ट होते हैं, इसलिए अच्छे तरह से प्रॉपर मैचुरेशन आरबीसी का नहीं होता, तो ऐसे केसेस में फ्रेंड्स क्या होता है कई बार स्प्लीनोमेगाली वगैरह पाया जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए कई बार स्प्लीनोमेगाली पाया जाता है और ये इन्फेक्टेड आरबीसी वगैरह बस्ट होने की वजह से पेशेंट में सेकेंडरी एनीमिया वगैरह देखा जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो द हिमोलिसिस एंड हेपेटिक डिसफंक्शन भी पेशेंट को दिखाई दे सकता है। द लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जेस एंड मे बिकम टेंडर, इसलिए मलेरिया के पेशेंट में फ्रेंड्स वहाँ पे जरा सा इसमें क्या होता है स्प्लीनोमेगाली, ठीक है। मलेरिया के पेशेंट में जरा सा स्प्लीनोमेगाली या फिर उसके साथ साथ हिपेटोमेगाली वगैरह पेशेंट को दिखाई सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। स्प्लीनोमेगाली हिपेटोमेगाली भी कई बार पेशेंट को देखा जा सकता है। एनीमिया डेवलप्स रैपिडली, जैसे आरबीसी का समझो वहाँ पे पेशेंट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे चला जाता है, एरिथ्रोसाइटिक स्टेज वगैरह बढ़ती है पेशेंट में, तो ऐसी कंडीशन में इन्फेक्टेड आरबीसी बहुत ज्यादा बर्स्ट होने की वजह से पेशेंट में एनीमिया वगैरह डेवलप होता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। द मोर्टेलिटी इज मच ग्रेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ मलेरिया, जिसकी फीफेलसेपर मलेरिया में सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी वगैरह पाया जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। सो फीफेलसेपर वाइवेक्स ये इसलिए सबसे ज्यादा फीफेलसेपर इन्फेक्शन जो है हम लोग देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी वगैरह पाया जाता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में देखते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इन्फेक्शन सिम्टम्स आर सेम बट आर यूजुअली माइल्डर एंड मोर रेगुलर, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सिम्टम्स कैसे सेम रहते हैं, जैसे कि फीफेलसेपर के सब हम लोग ये सब सिम्टम्स वगैरह देखे उसी टाइप में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के भी सिम्टम्स सेम है, लेकिन यहाँ पे बट आर यूजुअली माइल्डर एंड मोर रेगुलर, सब माइल्ड कैटेगरी में रहते हैं ऐसे सिम्टम्स वगैरह ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। एंड मोर रेगुलरली डिवाइडेड इनटू हॉट एंड कोल्ड स्टेजेस देन इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपर इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स वहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने प्लाज्मोडियम वायरस के इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स वगैरह हैं ये सबके सब ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपर इन्फेक्शन से कोरिलेट करते हैं, लेकिन जरा सा माइल्डर कैटेगरी में रहते हैं। एंड मोर रेगुलर डिवाइडेड इनटू हॉट एंड कोल्ड स्टेजेस वगैरह देन फैल्सिपर इन्फेक्शन, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फ्रेंड्स वहाँ पे कोल्ड हॉट एंड स्वीटिंग स्टेज वगैरह रहती है, उसी टाइप में फ्रेंड्स यहाँ पे वायरस के भी जरा सा हॉट एंड कोल्ड स्टेजेस वगैरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।
ये सब स्टेजेस वगैरह क्लिनिकल फीचर्स वगैरह हम लोगों को उसके हिसाब से जरा सा पता रहना जरूरी है। इसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया या फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह कर सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है।